नमस्ते, मैं हूँ मोनिया और आज मैं मोनिया से मान्यता बनने जा रही हूँ। वैसे तो मैंने जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए, जैसे कि गांव में ट्रैक्टर चलाया और लुधियाना में ना एक बच्चा खाई में गिर गया था, उसे बचाया। और हाँ, मेरठ में ना माता की चौकी में 100 लोगों के लिए आलू पूरी बना और वो भी अकेले। जब मैंने इतने काम थाई थाई करके कर लिए तो राजकुमारी बनना कौन सी खेत की मूली है? बस जनता के सामने हाथ उठाओ और यूं यूं करके हिलाओ। देखना माता जी, मैं बहुत कड़ी मेहनत करूंगी और सबको फोड़ दूंगी। हाँ नहीं तो ओह माय गॉड, नो, नेवर, नहीं, सेम पॉसिबल। सॉरी राजमाता, ये हमसे नहीं हो सकता। आई एग्री, हम यहाँ एक प्रिंसेस को ग्रूमिंग लेसन्स देने आए थे। जैसी जैसी कोई ने का एपिसोड शूट करने नहीं। हेलो, हाय, आई हाय, आप लोग कौन होते मुझ पे ताने कसने वाले? मेरी बारात में आए हो क्या? मान्यता, अदब से बात कीजिए बेटा, ये दोनों आपके टीचर हैं, मिस मर्चेंट और मिस्टर रॉय। ये तुम क्या कर रही हो? पता है, जब मैं कोयम्बटूर में थी ना, तब वहाँ पे मैंने भरतनाट्यम सीखी थी और वहाँ पे हमें सिखाया गया था कि क्लास शुरू होने से पहले ना हमें नमस्कारण करना पड़ता है। इसलिए आपको पता है, हमारे गांव में जो आंगनवाड़ी की मास्टर नहीं आती थी ना, हम उसे टीचर दीदी बुलाते थे। इसलिए अब से मैं आपको टीचर दीदी बुलाऊंगी और आपको मास्टर जी। राजमाता, आज 1 अप्रैल तो नहीं है, तो फिर आप हमारे साथ ये ऐसा प्रैक्टिकल जोक क्यों खेल रही हैं? मान्यता, ये टीचर दीदी नहीं है, आप इन्हें मैडम बुलाएंगी। मदाम, बोलो डार्लिंग, मदाम, म दा म से म दा म। मदाम, मातम। अरे, सर पीटने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत कड़ी मेहनत करूंगी और रिंग सीख भी जाऊंगी। फिर आप शुरू तो करो, बस मारना वरना मत। कान पकड़ के सजा देनी है तो दे सकते हो। माता जी, आज मेरा सबक शुरू होने का पहला दिन है, इसलिए मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। और माँ, आपका भी। हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है बेटा। बेस्ट ऑफ लक बेटा, जो भी आपके टीचर सिखाते हैं उन्हें ध्यान से सीखिएगा, इनकी बातें अनमोल है। आप इन चीजों पे अमल करेंगी तभी एक अच्छी राजकुमारी बनेंगी। To think of it, हमने तो सोचा था जय भाई कि जंगल क्वीन तब फनी थी जब वो इन कॉकरोचेस के साथ छुपन छुपाई खेलती थी, पर वो तो कुछ भी नहीं था। Totally विजय भाई, अब आगे जो होने वाला है उसके बाद मान्यता is gonna take the cake। No 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 no, केक तो बहुत छोटा सा होता है, उससे उसका मन थोड़ी ना भरेगा। Right. I think she's gonna take the whole bloody bakery, I tell you. So much fun ना विजय भाई, अब हमारे घर के डेली सोप में एक नया ट्विस्ट आने वाला है। हमने तो इस डेली सोप का नाम भी सोच लिया, तुम्हें बताना भूल गए। What? It's called दिल है कि मान्यता नहीं। Too much. Cheers. लगा फोन? नहीं। हेलो? हेलो? मोनिया को बुला देना जरा, कहो उसकी फ्रेंड का फोन है। मोनिया? अरे हाँ, मोनिया मतलब राजकुमारी जी।
इस वक्त राजकुमारी जी कोई भी फोन नहीं ले सकती, वो अपने लहसुन में बिजी है। क्या लहसुन में बिजी है? है? लहसुन में कोई कैसे बिजी हो सकता है? क्या कर रही है वो? क्या कहा उसे? वो लहसुन अदरक कूटने में बिजी है, इसलिए फोन पर नहीं आ सकती। क्या बकवास कर रही है? इधर कोई जरूरत नहीं उसे फोन करने की। तंग आ गई हूँ मैं तेरी राजकुमारी और उसकी कहानी को लेकर। उसकी वजह से तेरी नौकरी चली गई, तुझे जेल जाना पड़ा, अब तुझे मार कर ही चैन मिलेगा उसे। ऐसा नहीं है माँ, बल्कि मेरी वजह से आज मोनिया जरूर किसी प्रॉब्लम में फंस गई होगी। और रही बात मेरी, तो तू बिल्कुल फिक्र मत कर माँ। बचपन से लेकर तूने आज तक मुझे इतना अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाया है ना कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी भी मुश्किल का डट के सामना कर सकता हूँ। और मोनिया के लिए तो मैं एक बार क्या, मैं बार बार जेल जाने को तैयार हूँ। चला फोन दे मुझे, पता चला चक्कर क्या है। पता नहीं मुनिया को वहां मेरी आजादी के लिए कौन कौन सी कुर्बानियां देनी पड़ रही हैं। जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है मां, दाल में जरूर कुछ काला है। दादा, आपके साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसके लिए हमें भी बहुत बुरा लग रहा है। But I guess it's better for all of us to move on. Please दादा, आप इस बात के बारे में जितना सोचेंगे ना, उतना ही गुस्सा बढ़ेगा। Please. छोटी, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है ना? अपने दादा से शेयर नहीं करोगी? दादा, हम बस यही कहना चाहते थे कि अब तो दादी साहब ने भी मान्यता और आकाश के रिश्ते को अपना लिया है, तो अब आप भी इस मान्यता चैप्टर को भुला दीजिए ना प्लीज, हम सबके लिए यही बेहतर होगा। और वैसे भी आप एक ऐसी लड़की से क्यों शादी करना चाहते हैं जो आपसे प्यार ही नहीं करती? छोटी, हमारी डार्लिंग सिस्टर, कितना सोचने लगी हो ना तुम, इतने सालों बाद भी अपने दादा के बारे में एक छोटी सी बात नहीं जानती कि हम अपनी बेइज्जती तो फिर भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जयगढ़ की बेइज्जती कभी नहीं। सो प्रिंसेस उन्नति, एक छोटी सी बात अच्छे से समझ लो तुम, दोस्ती से भी गहरा रिश्ता खून का होता है। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि तुम्हें कौन सी साइड पर रहना है, दोस्त के या अपने परिवार के। What's wrong with you, दादा? आप कैसी बातें कर रहे हैं? दादा, क्वाइट कोई एस ओ एम ई सो सो सोम टी आई टेव टेव ओहो टेबल पर रखना, बैड मैनर्स होते हैं मान्यता, ठीक से बैठो।
Sit straight. Straight. ठीक से बैठो. हाँ, ऐसे. और अब लिखो. My name is Manyata. पेंसिल मुंह में नहीं डालते. बैड मैनर्स. सिट स्ट्रेट. स्ट्रेट. यस. नेल शबाने की आदत है. वेरी बैड. शो मी योर नेल्स. अपने हाथ यहां रखो. दे सो डर्टी. कितने गंदे हैं ये. कोई बात नहीं, मैं ना इन्हें थूक लगा के ऐसे नरम कर दूंगी. फिर देखना कैसे चमचमाएंगे मेरे नाखून. अब अगर आपने अपने नेल्स चबाए तो साथ में मिर्ची भी खानी पड़ेगी. समझे? Now read this. I am a girl. I am a girl. My name is Manyata. Now stop and turn. Back straight. Seedhe. Saamne dekho. And now walk. Yes. ठीक से चलो मान्यता. नीचे नहीं देखना है. ठीक से चलो. Yes. सामने देखो. पर अगर मेरे पैरों के नीचे कंकर या पत्थर आ गया तो मैं गिर जाऊंगी और मेरा सर फूट जाएगा ना. मान्यता माय डार्लिंग, तुम किसी ऐसी जगह पर जाओगी नहीं जहां पर कंकड़ पत्थर होंगे. नाउ वॉक. नीचे नहीं देखना है मान्यता, ऊपर सामने देखना है. से थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. बोलो. थैंक यू. थैंक यू. नहीं, थैंक यू. वो शेर, तुम्हारे बाल हैं या कॉन्क्रीट जंगल सुलझ ही नहीं रहे. चलो अब फिर से चल के दिखाओ. ठीक से चलो. ऐसे लगता है अब लोग लड़की देखने आए हो. चल के दिखाओ, बैठ के दिखाओ. हाँ नहीं तो वॉक. चल रही हूं ना मातम. बार बार मुझे इस डंडी से मारने की धमकी क्यों दे रही है? मैंने पहले आपसे मना किया था ना, और जब मैंने कहा है कि मैं सीख लूंगी तो मैं सीख लूंगी. गेट अप. उठो. गेट अप.
अब हम टेबल मैनर्स सीखेंगे। एक मिनट मातम जी, आपको मेरे बारे में ना एक बात खास तौर से पता होनी चाहिए। वो क्या है ना, मुझे कुत्तों वाली भूख लगती है, इसलिए बाकी के सबक शुरू होने के पहले हम खाना खा लें प्लीज। नहीं, पहले टेबल मैनर्स बाद में खाना। ठीक से बैठो, सिट स्ट्रेट, पुट योर लेग्स डाउन, पैर नीचे, कुर्सी थोड़ी आगे लो बिना आवाज किए। कोनी टेबल पर नहीं रखते। अब नैपकिन लो, उस नैपकिन से नाक नहीं पोछते, वो नैपकिन सिर्फ लैप पर रखते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगी फोक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। पहले अंदर वाले फोक से खाना खाया जाता है, फिर उसके बाहर वाले से, और फिर उसके बाद बाहर वाले से। ठीक है, पर ऐसा क्यों? अगर मैं बाहर वाले से पहले खाऊंगी तो मेरा खाना पचेगा नहीं क्या? कच्ची सब्जियों, आप लोग मुझे पका हुआ खाना क्यों नहीं देते? इसको सैलेड कहा जाता है और ये आपके लिए हेल्दी है। अरे मैं जानती हूँ ये सलाद है, पर इसका खाने का मजा तो तब आता है जब राजमा चावल साथ हो। हाथ से नहीं खाते। दो कांटे से नहीं। अब मान्यता, हम आपको एक नया लुक देंगे। पहले फैब्रिक से शुरू करते हैं, राइट? ये वाला देखो कितना जच रहा है, राइट? स्किन टोन से भी मैच कर रहा है, राइट? ठीक। अच्छा ठीक, इसे देखो कितना खूबसूरत है। सेत्र जॉली कितना खूबसूरत है। अच्छा ये वाला तो इससे भी ज्यादा सॉफ्ट एंड सिल्की है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, हमारे पास कुछ और भी फैब्रिक्स है, इसमें से चूज करो। हाँ हाँ, ये वाला। वो क्या है ना, मैं थोड़ी हीरोइन टाइप हूँ, इसलिए मुझे छटांगों कपड़े ना बहुत पसंद है। हाँ नहीं तो ये वाला बस। नो नो, अच्छा ठीक है, अभी फिलहाल हेयर स्टाइल देखते हैं। ये देखो, ये वाला मस्त है। नो 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 नो, नो 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 नो, राजमाता ये मुझसे नहीं होगा। इतने सारे हेयर स्टाइल्स में से उसने एक चिड़िया का घोंसला चूज किया है। मान्यता को सिखाने के लिए हमने आप दोनों को खास बुलाया है। आज तो पहला ही दिन था, प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए। मान्यता भी तो इतनी कोशिश कर रही है ना, आई एम श्योर धीरे धीरे वो सब कुछ पिकअप कर लेंगी। नो नो नो, इतने डिफिसिल से नहीं पा पॉसिबल। सॉरी, मैं ना बहुत परेशान हो जाता हूँ तो फ्रेंच में बोलने लग जाता हूँ। कोई बात नहीं, चलिए
मान्यता को ही बुला के पूछते हैं कि उनकी क्या प्रोग्रेस है। मान्यता को बुलाइए। जी माता जी। राज माता जी, राजकुमारी अपने कमरे में नहीं है। नहीं है? कोमल, आपने मान्यता को कहीं देखा? मां साहब, कहीं उन्होंने हार तो नहीं मान ली? नहीं योर हाइनेस, हार तो हम दोनों ने मान ली है। मान्यता तो काफी एंथुसियास्टिक थी आज पूरा दिन। तो फिर कहां जा सकती हैं वो? राजकुमारी मान्यता, प्रिंसेस होना और प्रिंसेस बनना तो अलग अलग बातें होती हैं। राजकुमारी मान्यता, तुम प्रिंसेस हो तो सकती हो, पर एक असली प्रिंसेस बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाथ लग जीजी। गिरिराज, बस ब्रजराज बस, इतना सब कुछ होने के बाद कम से कम आप तो दोस्ती का नाटक छोड़ दो। हमें माफ कर दीजिए गिरिराज, हम जानते हैं आपका गुस्सा जायज है, लेकिन ये डिसीजन मां साहब ने लिया, हमने तो नहीं लिया। पर हम भी इस सिचुएशन में उतने ही हेल्पलेस फील कर रहे हैं। हेल्पलेस तो आगे जाकर आप फील करेंगे ब्रजराज, तब सारी दुनिया के सामने हमारा मुंह खुलेगा। और आप जानते हैं कि हमारा इशारा किस तरफ है। Come on, हमारी सालों की दोस्ती है यार। बस ब्रजराज बस, मां साहब ने भी सालों की दोस्ती के ऊपर अपने खून के रिश्ते को रखा ना, हम भी वही करेंगे। हमारे लिए हमारे बेटे उदयवीर की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। कोई हमारे बेटे की इज्जत को ठेस पहुंचाएगा तो हम उसे ठेस पहुंचाएंगे। सिंपल सी बात। प्लीज गिरिराज, प्लीज। मां साहब ने जज्बाती होकर पहले ही एक ऐसा कदम उठा लिया जिसकी वजह से हम सबको भुगतना पड़ रहा है, और आप भी वही करने जा रहे हैं। अरे हम हैं ना, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। और आप तो जानते हैं कि हमने हमेशा उदय को अपना बेटा समझा है, और हम उदय के साथ कोई ना इंसाफी नहीं होने देंगे। देवगढ़ की राजकुमारी की शादी जयगढ़ के युवराज के साथ तय हुई है और उन्हीं के साथ होगी। ये एक राजपूत का वचन है, एक राजपूत का वचन है ये। टीचर दीदी और मास्टर जी ने मुझे राजकुमारी बनने के इंतजाम में फेल तो नहीं कर दिया? नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी आकाश। पता नहीं माता जी मुझे आकाश से। उठ गए जीजी, इतनी जल्दी मच रही है प्रिंसेस बनने की? वो क्या है ना, मेरे जिंदगी में पिछले दिनों इतनी कुचड़ मुचड़ हो रही थी कि मैं भूल गई थी कि तू मेरी कमरे में रहती है। Why, आए जीजी, ये हमारा कमरा है। तुम्हारी खुशकिस्मती ये है कि तुम इस कमरे में रहती हो। तूने रात का खाना नहीं खाया क्या जो अभी भी इतनी खुन्नस खा रही है? On the contrary, जीजी, हमारा पेट तो आपको आपके टीचर्स के साथ स्ट्रगल करते देख कर ही भर गया था। मुझे लगा था कि तू अब तक आग में घी डालने क्यों नहीं आई। मुझे तो तेरी बात एक समझ ही नहीं आती, तू आखिर में चाहती क्या है, कि मैं और आकाश एक हो जाए या नहीं? अगर मैं ये शर्त हार गई तो मैं आकाश के साथ नहीं, ये घर वाले मुझे जबरदस्ती उदयवीर के साथ शादी करवा देंगे। फिर बैठी रही हो अपना टूटा हुआ दिल लेकर, और याद करियो ये सारे ताने जो तुझे मार रही है। हमारा दिल तो फिर से जुड़ जाएगा जीजी, पर तुम आकाश के बिना कैसे रह पाओगी? इस बारे में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो तो तुम्हारे लिए बेटर होगा। एडमिटेड मान्यता, तुम इस बार हार गई हो। अब ना तो तुम्हें देवगढ़ की रियासत मिलने वाली है और ना ही तुम्हारा लव बॉय आकाश। ओए, चुप कर, बंद कर अपनी बकवास से। मैं नहीं हारूंगी, समझ गई, नहीं हारूंगी। तुम शेर हो तो हम सवा शेर है जीजी, हारना तो तुम्हें पड़ेगा ही। मान्यता, आप इस वक्त? माता जी, कान पकड़ के माफी, पता नहीं ये कमबख्त मोहिनी मुझे कैसे लग गई। मैंने सोचा था कि मैं बहुत मेहनत करूंगी पर गलती से आंखें लग गई। पर आप फिक्र मत करो, मैं ना अभी कभी नहीं सोऊंगी। आप अपने टीचर लोग को बुला दीजिए, मैंने अभी क्या भी सब कुछ सीखना है। आपने घड़ी देखी है मान्यता? इतनी रात गए क्या सीखेंगी आप? अरे माता जी, रात और दिन तो इंसान के दिमाग में होता है, जब जागो तब सवेरा, इसलिए टाइम क्यों खराब करना। आप उन्हें बुला दो, मैं चाबी लगी गुड़िया की तरह अब भी शुरू हो जाऊंगी। हाँ नहीं तो मिस मर्चेंट और मिस्टर रॉय इस्तीफा दे चुके हैं बेटा। तो इसका मतलब मैं राजकुमारी कभी नहीं बन सकती? इसका मतलब है अब हमें नए टीचर्स का बंदोबस्त करना होगा। इस वक्त प्लीज आप अपने कमरे में जाइए और जाके सो जाइए। थैंक्स जी, इस वक्त हमें सिर्फ अपने ग्लास की कमतें चाहिए। उदय स्वीटहार्ट, हमसे तुम्हारा ये हाल नहीं देखा जाता। आफ्टर ऑल तुम हो तो हमारे अपने ही ना। बाय द वे, हमारे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, और ये खबर इतनी अच्छी है कि हम फौरन यहाँ आ गए तुम्हें खुद ये न्यूज देने के लिए। Oh, really? मान्यता एक ही दिन में अपनी शर्त हार गई होता है। उदय, हम जानते हैं कि तुम पर इस वक्त क्या बीत रही है, कि हमारी फैमिली के डिसीजन से तुम्हें तुम्हें कितना बुरा फील हुआ है। बट उदय, ट्रस्ट मी, टीएस तुम्हें सच्ची में बहुत प्यार करती है। उदय, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, हम तो इनफैक्ट हमेशा तुम्हें सपोर्ट करते हैं, इवन तब जब तुम अचानक से एक दिन हमें छोड़कर मान्यता को अटेंशन देने लग गए। उदय, यू नो व्हाट,
हमसे ज्यादा ना तो कभी कोई तुम्हें प्यार कर सकता है और ना ही समझ सकता है उसे। You know why? क्योंकि हम तुम्हारी अच्छाई के साथ साथ तुम्हारे गुस्से को, तुम्हारे अंदर के अंधेरे को, तुम्हारे डार्क साइड को भी समझते हैं। मत करो हमसे बात, इग्नोर करो हमें, पर तुम इस फैक्ट को तो इग्नोर नहीं कर सकते ना उदय, कि मान्यता ने सबके सामने ये प्रूफ कर दिया है कि वो कभी एक राजकुमारी नहीं बन सकती। उस जैसी जाहिल गवार को कुछ भी सिखा पाना किसी टीचर के बस की बात नहीं। Which means, देवगढ़ की असली राजकुमारी, देवगढ़ की असली वारिस सिर्फ हम हैं। But as I said before, हम तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकते, आगे तुम्हारी मर्जी। You're right, Jay. मर्जी तो अब यहां सिर्फ हमारी ही चलेगी। अब जरूरी यह नहीं है कि दादी साहब क्या चाहती है या मान्यता क्या चाहती है, जरूरी ये है कि हम क्या चाहते हैं। सो मान्यता माय डार्लिंग, तुम चाहे जो भी कर लो, जहां भी जाओगी हमें ही पाओगी, क्योंकि रास्ता चाहे जो भी हो, तुम्हारी मंजिल हम है। अब तो हमें तुमसे मिलने आना ही पड़ेगा प्रिंसेस। टीचर मंजे मैडम, मैडम प्रणाम। देखो किसी काफिला भी मिल गए। अरे काफिया की तो लग गई, अब तो मास्टर जी हो इसलिए आपको सर बुलाना पड़ेगा। अब मैडम तो नहीं बुला सकती है ना। लेकिन अगर आप बोलोगे तब जिस नाम से चाहोगे ना मैं आपको उसी नाम से पुकारूंगी। अगर आप मुझे बोलोगे कि मोनिया मुझे नहीं, मेरा मतलब मान्यता, अगर आप मुझे बोलोगे कि मान्यता मुझे सर नहीं श्री चिंतामणि सहस्त्र बुद्धे बुलाओ, तो मैं आपको श्री चिंतामणि सहस्त्र बुद्धे ही बुलाऊंगी। आपको पता है कल ना मैंने बहुत कुछ सीखा है। ए बहन सर हमारा नाश्ता ले आना। देखो मेरी कोनिया टेबल पर भी नहीं है। देखना आज मैं एक अंगूर कितनी कला के साथ कांटे सिखाऊंगी। पता है मैंने ना कल ही सीख लिया था कि कम खाना कैसे खाते हैं, और वो भी जताते जताते कि खाने में तो कोई दिलचस्पी ही नहीं है।
bad manners. ये क्या है सर जी? सर जी नहीं, सिर्फ सर। अच्छा, सिर्फ सर। बताइए ना कि राजकुमारियों को नाश्ते में कंचे से खेलना पड़ता है या फिर कंचे खेलने के बाद ही नाश्ता परोसा जाता है? Atrocious. I beg your pardon, राजमाता। इतना खराब तलफ्फुज सिर्फ को सिर्फ कहती है और इंग्लिश का तो प्रोनाउंसिएशन माशाल्लाह, मदाम को तो उसने मर्डर ही कर दिया है। अरे मदाम तो वो कल छड़ी वाली टीचर दीदी आई थी ना, उन्होंने मुझे सिखाया था। मान्यता, एक राजकुमारी होने के लिए जरूरी है कि उसे अच्छी तरह से बात करना है, फिर चाहे वो प्रेस के साथ हो, जनता के साथ हो या फिर अपने परिवार के साथ क्यों ना हो। इसीलिए वो कंचे उठाइए और अपने मुंह में रखिए। हाँ? और ढंग से बात करने की कोशिश कीजिए। हर एक वर्ड को अपने मुंह में धीरे से फॉर्म कीजिए और फिर प्यार से डिलीवर कीजिए। पटाखे की तरह मत छोड़िए। देख क्या रही हो? Come on, pick up those marbles. कंचे उठाइए। हम ऑफिस में हैं। मान्यता, हम उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर होगा। I said pick up those marbles. Pick up those marbles. Now repeat after me. Mere baad bolo. A E I O U. A E I I O U. U. Once more. Now say it all together. A E I O U. E I O U U. हो गया, पानी पीजिए और कंचे वापस मुंह में रखिए। अरे मास्टर जी, इतने मुश्किल से तो जान बची है, अब वापस मेरे गले की नाली बंद क्यों करवाना चाहते हो? कोई बहाना नहीं, पानी पीजिए, कंचे मुंह में रखिए एंड रिपीट आफ्टर मी ए ई आई ओ यू। अबे ए ई आई यू के लगते तो टीचर या जल्लाद जान लेना चाहता है मेरी? जब मैं मर जाऊंगी ना तो मेरे कमर पे अकेले अकेले कंचे खेलते रहना। पाइटिया पाइटिया लगाओ के तो झपाड़िया। हाँ नहीं तो आंखें कांच की तरह बाहर क्यों गिर रही है बोल? अब ओ तो कांचा छीना, कहीं मेरी जान ले निकले? इस उदयवीर कुत्ते ने तो तुझे यहाँ नहीं भेजा। प्रिंसेस, ये कोई तरीका दे अपने टीचर से ऐसे बात करने का? हलकुट के उस्ताद, मुझे सब पता है, तूने ही इसे टीचर बनाकर यहाँ भेजा है मेरी क्लास खराब करने के लिए, है ना? Excuse me, मुझे राजमाता ने बुलाया है यहाँ। मान्यता,
अच्छा तो अब होलसेल में झूठ भी बोला जाता है? सच बता, तू टीचर नहीं एक्टर है ना? प्रिंसेस सच बताओ। मैं टीचर ही हूँ और मुझे दिल्ली से यहाँ राजमाता ने बुलाया है। अच्छा छोड़ दे अभी, छोड़ बोलेगा ना तो तेरी ऐसी पिटाई करूंगी कि तुझे अंग्रेज़ की महारानी आ जाएगी। बोल ए ए आई ओ यू, आई ओ यू। अब बोल ए ई आई ओ यू। अरे कोई है क्या? हेलो ए ई ओ यू आई ओ यू। मान्यता बस मान्यता, इनफ इज इनफ। भूल जाइए कि हमने कभी आपके सामने कोई शर्त रखी थी। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आप इतनी हद तक गिर सकती हैं। आपको सिखाने के लिए हमने उन्हें इतनी मिन्नतें करके यहां बुलाया, लेकिन आपने उनके साथ कितनी बदतमीजी की। आपको सिखाने के लायक ही नहीं है। ब्रिजराज बिल्कुल सही कहते हैं, आप हर रोज ऐसा कोई काम करती हैं जिससे हमारा सिर शर्म से झुक जाता है।